अफसर आलम एक बच्चा है, 6 गोलियां उसको मारी गई। झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई। वो नूपुर शर्मा अनाब शनाब व्यक्ति है और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप उसको आराम से घर में भी डाक कर रखे, सर पे गोली मार दी साहिल के। ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? क्या हम अपने बेटों को इसलिए पैदा करते हैं कि जान दे दें? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। जब योगी मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसान में वो नूपुर शर्मा अनाब शनाब व्यक्ति है, 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में भी डाक कर रखे। अब बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाब शनाब पका जा रहा है, ये 5 तुमको वाकयात बता रहा हूं। और फिर तशद्दुद वायलेंस के मैं खिलाफ हूं। बताओ झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई। पुलिस ने मुदस्सर को जो इस्लाम नगर का है, साहिल को जो चिश्तिया नगर का है, ये बच्चे शहीद हो गए, मर गए, कत्ल कर दिया गया, सर पे गोली मार दी साहिल के। ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? बताओ झारखंड की हुकूमत जो कांग्रेस की सरकार है, जीएमएम की सरकार है, 2 बच्चों को गोली मार दिए। अफसर आलम एक बच्चा है, 6 गोलियां उसको मारी गई, 4 निकाली गई, 2 गोलियां उसके जिस्म में। और वो साहिल की मां क्या कह रही है, मैं वीडियो देखा, वो कह रही कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान को कुर्बान कर दी। नहीं, तुम थाली नहीं मारोगे। सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बेटा था, क्या करोगे तुम? क्या हम अपने बेटों को इसलिए पैदा करते हैं कि जान दे दें? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? क्या उस बच्चे के, उसके मां को हक हासिल नहीं था कि उसके जईफी का सहारा बने? ये मेरी लड़ाई है। इसके बोलते हैं भड़का भाषण दिया, 2 बच्चे मर गए, गोलियां मार दिया आपने। ये नहीं होता था अगर देश के प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं, प्रोटेस्ट होना चाहिए मगर संविधान के दायरे में होकर रहना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर अमन के साथ। यहां पर 2 बच्चे चले गए, प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है फिर बताओ आप? अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है,